हमको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर्स कहाँ हैं, ठीक है, लाइट्स के बटन कहाँ हैं, डिफॉगर कहाँ हैं, ठीक है। और ब्रेक और पावर जो उसका हैंड ब्रेक बोलते हैं अपन, या इसमें पैर में, ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कहाँ हैं, हैंड सिग्नल्स पता होने चाहिए कहाँ पर हैं। उसके बाद जब भी गाड़ी स्टेबल खड़ी है और तुमने रोड पे आना है, ठीक, तो तुम 3 मिरर चेक करते हो, पहला, दूसरा और तीसरा शोल्डर, ठीक, कहीं भी तुम चेंज करते हो तुम्हें ये तीनों चेक करने हैं। शोल्डर इन सेंस, ये ये इस ऐसे मिरर को नहीं कि बोल रहे हो ना, ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट मतलब उस मिरर में चेक करेंगे ना नहीं, खुद पहला, से। दूसरा अच्छा मिरर तो ये हो गए, हाँ, तीसरा ब्लाइंड स्पॉट, ओके ठीक है। ठीक है, वो ब्लाइंड स्पॉट क्योंकि अपने आँख से चेक करना है हाँ, आपको। क्योंकि तुम्हें दिखेगा नहीं अगर गाड़ी बगल में होगी, बिल्कुल कोई से मिरर में नहीं आएगी वो, अच्छा ठीक इसलिए है, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। ठीक है। और जैसे मैं खड़ा हूँ ना, तो पहले मैं इंडिकेटर दूंगा ओके। सड़क पे आने से पहले, फिर मैं ये मिरर देखूंगा, फिर मैं ये देखूंगा, फिर मैं शोल्डर देखूंगा, उसके बाद मैं गाड़ी सड़क पे लाऊंगा, ठीक है, ठीक, पहले, ठीक उससे है। पहले मूव नहीं करूंगा मैं, ठीक। फिर जब टेस्ट हो रहा होता है तो टेस्ट में तुम तो नजरों से भी देख सकते हो उधर, लेकिन तुमको पूरी मुंडी करके ऐसे देखना है ताकि उसको एहसास हो कि तुम ये देख रहे हो। अच्छा हाँ। और जब गाड़ी चल रही होती है तो हाँ, बीच बीच में ना ऐसे शोल्डर देख लेने हैं दोनों, तो अच्छा उसको ये पता रहता है कि तुम नोट करके चलते हो कि तुम्हारी गाड़ी चल किधर रही है एग्जैक्टली, ठीक है, ठीक है। इन ठीक है। चीजों के पॉइंट्स होते हैं, तो ये करते रहोगे तो तुम्हारे पॉइंट्स कम करते, 15 पॉइंट मिलते हैं टोटल अच्छा जो तुम लूज कर सकते हो। और पांच या छह क्रिटिकल एरर होते हैं, उनमें से एक भी करा तुमने तो खत्म है। ठीक है। क्रिटिकल एरर है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक जो तुमने अभी करा, ठीक, हरी लाइट पे तुम्हें रुकना नहीं है। अच्छा फिर ओवर स्पीडिंग, अंडर स्पीडिंग, वो भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ट्रैफिक में आ जाता है, और भी कुछ कुछ है बता दूंगा अभी, ठीक। ठीक है, चलो। फिर यहाँ से तुम्हारा टेस्ट चालू होता है, अच्छा यहाँ लाइन लगी रहेगी, तुम यहाँ आओगे, तुम यहाँ रोकोगे, ठीक है। ठीक है। यहाँ पर वो तुमसे गाड़ी का इंजन ऑफ ऑफ कराएगा, लाइट्स चेक कराएगा, उसके बाद तुमसे हैंड सिग्नल्स पूछेगा। हैंड सिग्नल क्या है पता है तुमको? नहीं, पता मुझे, बताओ। तो बता देते हैं, हाँ तो वैसे देख लो, इधर तो लेफ्ट हो गया, हाँ ठीक है, अगर तुम ऐसे दिखाते हो तो दिस इज राइट अच्छा, और दिस इज नीचे स्टॉप। तो मतलब सिग्नल किसे दिखाने के लिए। जैसे तुम्हारी गाड़ी के इंडिकेटर्स काम नहीं कर रहे तो तुम ओके शीशे से हाथ बाहर निकाल करके ये करोगे ना, अच्छा, लेफ्ट हाँ जाना है कि अच्छा, मैं ये रुका हाँ हूँ, लेफ्ट के लिए करेंगे। मुझे हाँ राइट जाना है, नहीं मैं रुक रहा हूँ, अच्छा, ऐसा। तो लेफ्ट जाने के लिए क्या बोल, फिर से बताओ तो एक बार। लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट हाथ करेंगे, हाँ राइट जाने के लिए ऊपर हाथ करेंगे, ओके स्टॉप कर रहा हूँ मैं तो नीचे हाथ करना, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो। ये हाँ पूछेगा वो, ओके तुमने अच्छा, ये नहीं बताया, वो तुम्हारा ड्राइविंग टेस्ट चालू नहीं करेगा। हाँ, ये ठीक तो है। हाँ इसके बाद फिर वो यहाँ पर तुमसे ये ब्लिंकर्स पूछेगा, ब्लिंकर्स होते हैं ये जो पार्किंग लाइट्स हैं अपनी, ठीक है, तुमसे इंडिकेटर पूछेगा, लाइट्स पूछेगा, फिर तुमसे हैंड ब्रेक वाला ये पूछेगा, ठीक, ठीक है। फिर तुमसे डिफॉगर पूछेगा, डिफॉगर, हाँ, फ्रंट एंड रियर अच्छा। ये दोनों, ठीक, बस ये चीज़ें पूछेगा वो। ओके उसके बाद तुमको चालू करना है, जब तक तुम इसके DMV कैंपस में हो तुम्हारी स्पीड 5 से 10 के बीच में रहनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। अच्छा हाँ, तुम ठीक अपना है। धीरे धीरे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जितना कॉन्फिडेंस हो उतने में चलाओ, ठीक है, ओके तेज नहीं करना। एक ने दोस्त ने 15 कर दी थी, उसको यही वापस घुमा दिया था, ठीक। ठीक है। अब मैं इधर भी हूं ना अगर, तो भी मैं इंडिकेटर दूंगा और मिरर चेक करता रहूंगा ऐसे हल्के फुल्के, ठीक है। ओके उसके बाद वो तुमको मैं यहाँ रोक के दिखा रहा हूँ, या तो इस रास्ते से लाएगा नहीं तो उधर वाले से लाएगा, ठीक है। ठीक, कोई से भी एक से ले आएगा, दोनों पे ही स्टॉप साइन है, तो तुमको सबसे पहले स्टॉप साइन पे क्या करना होता है, स्टॉप साइन पे सीधा देख करके आओगे, पहले गाड़ी रोकोगे, जब तक गाड़ी तुम्हारी रुक नहीं जाती ना तुम लेफ्ट देखोगे ना तुम राइट देखोगे, गाड़ी रुकने के बाद तुम लेफ्ट देखोगे, तो मैं यहाँ लेफ्ट देखूंगा, जब तक मेरी लेन में आ रहा है ना कोई, मैं घुसूंगा नहीं अंदर ठीक है। और इंडिकेटर दे के रखूंगा। और जब अपन मोड़ेंगे
तो मैं एक बार ऐसे साइड में भी चेक कर लूंगा कि कोई पेडेस्ट्रियन तो नहीं है पैदल चलने वाला, ठीक है? ठीक है। और गाड़ी के डायमेंशन ध्यान रखना, ये कर्व के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए गाड़ी। ओके। तुम्हारी बड़ी है ना जैसे गाड़ी, तो तुम ना दूसरी लेन तक जब क्लियर ना हो जाए गाड़ी लेके मत आना अंदर, ताकि गलती ना हो। ये सड़क है 40 की, ठीक है, इसमें 40 की लिमिट है, तुमको इसी लेन में रखनी है राइट पे हमेशा। मतलब हमेशा नहीं, जब तक उसने नहीं बोला चेंज करने को लेन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब तुम यहाँ पहुंच जाओगे ना, वो बहुत टाइम देता है इंस्ट्रक्शन देने से पहले, मतलब अच्छा वो देता है, वो तुम्हें बोल देगा चेंज योर लेन टू द राइट, इंडिकेटर दूंगा पहला मिरर, दूसरा मिरर, दूसरा शोल्डर, ओके, फिर मैं गाड़ी इधर लेके आता हूं, ठीक है। अब इस लेन में जब हम आते हैं इंडिकेटर चालू रखने का, यहाँ पर रेड है, जब रेड है तो मैं पहले पूरी गाड़ी रोकूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या इधर से ट्रैफिक तो नहीं आ रहा। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो सिग्नल लगे हैं ना, यहाँ पर एरो वाला भी है ग्रीन, अच्छा, अगर वो हो तो मैं गाड़ी रोकनी नहीं है, स्लो करके मोड़ लो, लेकिन रोकनी नहीं है बिल्कुल भी। ओके। हाँ, तो यहाँ पे एरो वाला ग्रीन, अभी गाड़ी आ रही हूँ वहां से, तब भी तुमको नहीं जाना है, पहले ये जाएंगे वो वाला सिग्नल के पास, देखो ग्रीन का है, दे अभी ग्रीन हुई है ना ये, इसके नीचे ना एक ग्रीन का एरो भी है। अच्छा। हाँ। तो ग्रीन हुआ तो भाई निकल जाओ, देख के मतलब साइड से गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है, पेडेस्ट्रियन देखना है तुमको। ओके। उसके बाद यहाँ बोलेगा चेंज योर लेन टू द लेफ्ट, ठीक, फिर से मैं वही करूंगा, पहला दूसरा तीसरा, अच्छा, तभी चेंज करूंगा मैं। उसके पहले तुम्हारी गाड़ी मूव करनी नहीं चालू होनी चाहिए, जब तक हम चेक नहीं किया, जब तक तुमने चेक नहीं करा है, हाँ, तब तक उसी लेन में चलोगे। ये भी सड़क 40 की है, तो 5 से 10 कम ज्यादा चलता है, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 कम चलाओ तो तुम्हारी गाड़ी लिमिट में रहेगी और तुम कंट्रोल कर पाओगे इजीली। ओके। क्योंकि स्मूथ होनी चाहिए ड्राइविंग, ना हैवी ब्रेकिंग होनी चाहिए, ना हैवी एक्सीलरेशन होना चाहिए। यहाँ पर वो बोल देगा चेंज योर लेन टू द लेफ्ट, इंडिकेटर दूंगा पहला दूसरा तीसरा, अब मैं गाड़ी इधर लाना चाहूंगा स्मूथली, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट बोला वो, अब मुझे लेफ्ट में शोल्डर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई होगा ही नहीं यहाँ, तो मैं अपना आराम से स्मूथली यहाँ ला लूंगा। अगर डेडिकेटेड लेफ्ट है तो भाई मतलब शोल्डर देखने की जरूरत नहीं है, बाकी सब कुछ देख लो। अब इधर एरो एक दिन, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो मैं यील्ड करता, अच्छा, लेकिन यहाँ एरो है तो मैं रुका रहूंगा, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। और ये रेड है अभी, और जो इधर वाला है, जब लेफ्ट जाएंगे ना अपन, ये बम्प है थोड़ा ज्यादा, तो स्मूथली निकालना है क्योंकि ड्राइव स्मूथ होनी चाहिए उसके ना, उसे उसे लगे नहीं कि भाई तुम, बेसिकली उनका कंसेप्ट ये रहता है कि तुम्हारी गाड़ी में बेबी बैठा है, उसको झटका नहीं आना चाहिए, ठीक है। और हमेशा ना ये जो पीली लाइन है या सफेद लाइन है स्टॉप पे, उससे पैर पीछे रोकना। अच्छा, ये जो पीली लाइन है यहाँ पे, उसे क्रॉस किया मतलब वो क्रिटिकल एरर हुआ? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं देगा, एरर नहीं देगा क्रिटिकल वो, लेकिन पॉइंट्स काट लेगा। अच्छा, पॉइंट्स। तो तुम्हारे पास 15 ही पॉइंट है ना कटवाने के लिए, जितने बचा लो उतने बढ़िया है। तो 15 में टोटल कितने पॉइंट्स मतलब चलेंगे, मतलब 12 पॉइंट पे या 10? नहीं नहीं, 15 पॉइंट्स तुम कटवा सकते हो। अच्छा, 15 कटवा सकते हैं, 15 कटने के बाद भी तुमको पास हो जाओगे अगर तुमने कोई क्रिटिकल एरर नहीं करा हुआ है। क्रिटिकल एरर वजह से कि मैंने कर्व पे चढ़ा दिया, कर्व पे चढ़ा दी गाड़ी, कोई सा भी टायर कर्व पे टच हो गया, टच भी हो गया तो भी है, ठीक है, अब वो तुम्हें इस रोड पर कहीं भी लेफ्ट मुड़वा देगा, ठीक। अच्छा। हाँ, सब यहाँ लेफ्ट मुड़ाता है। हाँ, अब यहाँ पर अभी तो वो गाड़ी बहुत दूर है तो मैं आराम से मोड़ लूंगा, वरना मैं रोक करके खड़ा हो जाता चाहे मेरे पीछे लाइन लग जाए। अच्छा, ठीक है, जब तक वो गाड़ी नहीं जाएगी यील्ड नहीं कर लूंगा मैं, जब तक तब तक मैं मोड़ूंगा नहीं गाड़ी, ठीक है, ठीक।
उसके बाद तुमको यहाँ चलाएगा, वो यहाँ स्पीड लिमिट होती है रेजिडेंशियल एरिया में 25 की, तुम 20 चलाओ, 15 से 20 चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, 20 की स्पीड बहुत कंफर्टेबल रहती है, तुम मनूवर भी कर लोगे आराम से और ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसा मत चलाना कि हमेशा जो लिमिट दे रखी है उसी बीच चला रहे हो। अच्छा, 5 कम चलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। हाँ, लिमिट क्रॉस नहीं करना। 5 भी क्रॉस नहीं कर सकते क्या? कि थोड़ा कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम। हाँ, मतलब वो फिर कोशिश करो कि तुम वापस बैक आ जाओ अपने उस पे। हाँ, अभी स्टॉप साइन है, पहले मैं रोकूंगा। हाँ, उसके बाद में लेफ्ट और राइट देखना चालू करूंगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं दूर तक नहीं देख पा रहा हूँ, तो थोड़ा आगे, गाड़ी थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और फिर ऐसे देखते हुए। हाँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्ट्रेट ले जाऊंगा। अगर ये पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा होता तो मैं खड़ा रहता, खड़ा रहना पड़ता। हाँ, हम देखो गाड़ी भी इसके ऊपर नहीं गई, ठीक है। और मैं बताता हूँ, फिर मान लो बोलता है टेक राइट, तो जब भी वो इंस्ट्रक्शन देता है ना, तो ऐसे ना नॉट कर लेने का, तो तुमको भी इंस्ट्रक्शन रिसीव करने का टाइम मिल जाता है, उसे भी समझ में आ जाता है कि तुम्हें समझ में आ गया है क्या बोला है उसने। ठीक है, उसके बाद इस सड़क पे ले आएगा, यहाँ पर कहीं भी और भी नहीं बोल सकता है कि पुल ओवर व्हेनेवर यू फील लाइक। पुल ओवर मींस क्या? रुकने के लिए मींस गाड़ी खड़ी कर दो। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। तो गाड़ी ला करके ऐसे बस देखना है कब नहीं चढ़ जाए। अरे तुम्हारा बात नहीं कर रहे, न्यू जो सीखने आ रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तुमको यहाँ लगानी है, फिर तुम यहाँ गाड़ी पार्क में डालोगे, इंडिकेटर बंद करोगे, उसके बाद वो दरवाजा खोलेगा, खोलो मंदार भाई दरवाजा, और फिर चेक करेगा कब से कितनी दूर है। अच्छा, 18 इंच के डिस्टेंस के अंदर होनी चाहिए तुम्हारे दोनों टायर। टीडी ओके, देखते हैं कितना दूरी है। ठीक है, 18 इंच, 1.5 फीट। ठीक, उसके बाद वो यहाँ पर तुमको बोलेगा गाड़ी रिवर्स करने के। अच्छा, ठीक ठीक, गाड़ी रिवर्स करने के लिए तुमको इसमें तो कुछ इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं बेहतरीन। तुमको वो मिरर यूज कर सकते हो। हाँ, और पीछे देखना है इसमें से। अच्छा, ठीक है, तो इसका एक तरीका है कि तुम ये मिरर देखते रहोगे ना, तो तुम्हारी गाड़ी सीधी सीधी चलती रहेगी। इसमें भी देखते रहो, पीछे भी देखते रहो, मैक्सिमम इसमें देखना, तो तुम्हें तुम्हारे टायर का पता रहेगा गाड़ी टेढ़ी तो नहीं खड़ी, थोड़ा कर करके अंदाजा हो जाएगा इसका। अच्छा, हाँ। उसके बाद तुम्हें गाड़ी पीछे लेके जानी है। और यहाँ एक चीज ध्यान रखने का, जो अक्सर लोग गलती करते हैं, नए नए ड्राइवर, जब आप ब्रेक छोड़ते हो ना, तो गाड़ी अपने आप मूव करती है, उसको उसी पे मूव करने दो। अच्छा, मतलब एक्सेलरेटर मत दो, ब्रेक छोड़ के एक्सेलरेटर पे पांव रख दिया, गाड़ी बहुत तेज पीछे जाएगी, हल्के से में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और फिर तुम्हें उसको सीधी करने में बहुत परेशानी होगी। ठीक, छोड़ो इसको और जाने दो, और पीछे लेकर के जाना है। और इसको मोड़ मोड़ के तुम और सही ज्यादा कर सकते हो, जैसा तुम करना चाहो। अच्छा, ठीक, वो जैसा चेक कर रहा है कि हम लोग पीछे कैसे लेके जा रहे हैं, अभी यू टर्न के लिए ना, सीधी सीधी तुमको पीछे लेके जानी, वो बेसिकली ये देखना चाहते हैं तो सीधे पीछे ले जा सकता है कि नहीं, और तू कर्व टच करेगा कि नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ, 100 फीट जाने के बाद वो तुम्हारी गाड़ी रुकवाएगा। जैसे अपन जा रहे हैं, अब मुझे लगा कि भाई देख ऐसे मेरी गाड़ी बाहर चलेगी, तो मैंने क्या करा, थोड़ा अंदर कर ली। ठीक है, 100 फीट अपन आए, फिर वो गाड़ी रुकवा देगा। ठीक, उसके बाद वो फिर दरवाजा खोलेगा, फिर चेक करेगा कि तू कब तूने टच करा है। अगर तूने कब टच कर दिया, इंस्ट्रक्टर बढ़िया हुआ तो दे देगा एक और मौका, नहीं तो क्रिटिकल एरर में खत्म, कैंसिल। ठीक है, अच्छा, फिर तो यहाँ खड़ा करेगा, फिर बोलेगा ड्राइव, फिर बोलेगा कि चलो स्ट्रेट चलो, जो भी बोलेगा, है ना। तुम्हें पहले इंडिकेटर देना है, इंडिकेटर मतलब क्या, लेफ्ट के लिए, हाँ, है ना, क्योंकि सड़क पे आना है। फिर तुम ये मिरर देखोगे, फिर तुम वो देखोगे, फिर ब्लाइंड स्पॉट देखेंगे। हाँ, ठीक है, तुम चालू करोगे। उसकी मर्जी है, वो इस पूरे एरिया में तुम्हें अंदर कहीं भी कितना भी घुमाए। ठीक है, यहाँ आगे बोलते हैं मान लो टेक लेफ्ट, स्टॉप करोगे पहले, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रहेंगे, तो मेरे तो आदत है एक चलाने। ठीक है, ठीक है, फिर तुम देखोगे अच्छा ये कोई नहीं आ रहा, फिर तुम आराम से जाओगे, चौड़ी सड़कें हैं, बड़ा कट लो मजे से और आ जाओ। ठीक है, ठीक है,
यहाँ पर कुछ एरिया ऐसे भी हैं जहाँ पर वो नहीं है स्टॉप साइन नहीं है, जैसे ये है सामने, तो तुम्हारी सड़क एंड हो रही है लेकिन उस वाले की नहीं है, तो तुम्हारा ड्यूटी है यहाँ पर यील्ड करना, यील्ड करने का, हाँ भी आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी पार्क करा सकता है, कहीं भी करा सकता है। पैरेलल पार्क तो नहीं कराएंगे, वो कराते भी हैं तो सिखा देंगे, वो इजी है बहुत, उसका भी बता ही देता हूँ। जैसे मान लो इसके पीछे पैरेलल पार्क करना है मेरे को ना, यहाँ कोई और गाड़ी होती तो लॉजिक बेसिकली ये है, यहाँ लगा दो ना इसका, तो है ना गाड़ी पीछे भी है भैया, कोई नहीं यही देखो तुम चढ़ेगा। तुम इसके पास लाओगे और तुम अपनी गाड़ी को इसके बीच तक लाओगे, ये जो मिरर है ना तुम्हारा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी मेंटेन करो, हाँ, और फिर तुम रिवर्स डालोगे, फिर तुम स्टीयरिंग मोड़ोगे पूरा और गाड़ी उधर जाएगी तुम्हारी ऐसे कर दे, और तुम्हें उसमें देखता रहेगा कि तुम्हारी गाड़ी कहाँ है, इधर देखो भाई, वहाँ थोड़ी देख पाओगे, मतलब देख रहे हैं, ठीक है, फिर टेढ़ी करके अंदाजा लगा करके अपना पूरी गाड़ी ऐसे मोड़ दो, और तुम्हारे ये भी ध्यान रखना कि आगे तुम्हारे बोनट टच ना हो, ठीक है, और ऐसे करके तुम थोड़ा सा और गाड़ी पार्क कर सकते हो, ठीक, ठीक है। पैडल पार्किंग अगर वो करवाता है तो तुम्हें बहुत मौके देता है, और ऐसा जरूरी नहीं कि वो करवाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर मैं सड़क पे आऊंगा, इंडिकेटर दूंगा, पहला दूसरा तीसरा शोल्डर देखा, उसके बाद सड़क पे लाऊंगा। अच्छा, गाड़ी पहली एक्सीलेटर छोड़ दूंगा और ब्रेक पे पैर रखना चालू कर दूंगा ताकि मैं स्मूथली रुकूं, ऐसा नहीं मैं आके यहीं जा करके ब्रेक मारता हूं और झटके से रुकता हूं, ठीक है ना, स्मूथ ब्रेकिंग होनी चाहिए, फिर अपना देख के आराम से फिर गाड़ी मूव करें। तो जैसे ही एक्सीलेटर वो ब्रेक छोड़ते हो ना, गाड़ी अपने आप मूव करती है, पहले पहले उसे हल्की सी अपनी स्पीड लेने दो, फिर एक्सीलेटर दबाना, तो तुम ओवर स्पीड या हेवी एक्सीलरेशन नहीं करोगे कभी भी, उसके बाद वो तुम्हें इस सड़क पे लेके आएगा किसी भी एंट्री से, यहाँ बोल देगा टेक राइट, फिर तुम रुकोगे, यहाँ गाड़ियां भी खड़ी हो सकती हैं, तो तुम हिसाब से देखोगे, अब तुमने लेफ्ट देख लिया, राइट देख लिया, तुम्हें राइट लेना है, ठीक है, यहाँ शोल्डर, तो हो सकता है कोई साइकिल वाला हो, कोई बच्चा हो, तो वो देखने के लिए तुमको शोल्डर देखना जरूरी है, ओके, तुमने शोल्डर देख लिया, अब तुम आराम से मूव करोगे, ठीक। और ये ना राउंड्स होते हैं साइड में, तो तुम्हारी गाड़ी जल्दी से नहीं चढ़ेगी उधर, अनलेस तुम बहुत ही पास से जा रहे हो, ठीक, तो राउंड्स में क्या ये सब अच्छा ये वाले, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ। अब यहाँ पर तुम कहीं भी खड़ी कर सकते हो, तेरे से कुछ नहीं बोला, कहीं भी खड़ी कर दो, तो मैं जनरली यहाँ खड़ी करूंगा ताकि किसी को राइट मुड़ना हो तो वो जा सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ मार्ग नहीं है ना लेन, जनरली वो तुम्हें यही इसी एंट्री से लेके आएगा बाहर, नहीं तो उस वाले से जहाँ से हम गए थे, और वो जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा वो अंदर तुम्हें घुमाता रहेगा। अच्छा, अंदर फायर स्टेशन भी है, दिखाएंगे। तो अभी मेरी बारी है, क्योंकि ये उसको मोड़ना है, वो यील्ड करेगा, रटी जाना है रास्ता, ठीक है। हाँ, इसी रास्ते पे यहाँ भी मुड़वा सकता है, नहीं तो आगे से मुड़वा देगा, है ना। अब मान लो तुम्हें यहाँ कहता है टेक लेफ्ट, इंडिकेटर दोगे, शोल्डर देंगे तुम्हें,
देखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ पर छोड़ कोई कोई गाड़ी तो नहीं आ रही वहां से। अच्छा, हाँ। फिर तुम मोड़ोगे, जब तुम्हें दिख रहा है कोई नहीं आ रहा तो तुम इजीली मोड़ भी सकते हो, तो यील्ड करना नहीं तो फिर अगर गाड़ी आ रही है तो। हाँ। हमेशा गाड़ी की स्पीड इतनी रखना जितनी तुम कंट्रोल कर सको, जो कि आइडियल स्पीड लिमिट में ही रहती है। अब जैसे 25 किलोमीटर है ना, मैं 20 पे चलाता हूँ, 20-22 के बीच में, तो इतनी स्पीड लिमिट है, ये तो तुम आराम से कंट्रोल कर लोगे गाड़ी। ये 20 है, ठीक, यहाँ आओगे, यहाँ बोलेगा तुम्हें वो टेक राइट, तुम इंडिकेटर दोगे पहले, फिर तुम लाओगे स्टॉप साइन, बिल्कुल रोबोट की तरह एकदम पहले गाड़ी रुकेगी हमारी, उसके बाद हम देखना चालू करेंगे, उससे पहले हमने मुंडी खिलानी भी नहीं है। तो अभी गाड़ी आ रही है वहाँ से, तो अभी मैं घुसूंगा ही नहीं, अब नहीं आ रही है, मैं बचाऊंगा आराम से बोल। ये सड़क 30 की है, तो यहाँ 30 पे चलानी है गाड़ी, ठीक है, एटलीस्ट 25 एंड अबव होनी चाहिए तुम्हारी गाड़ी। और अगर कोई साइकिल वाला चल रहा हो इधर, जो कि अक्सर होता है, तो तुम पहले गाड़ी पूरी स्लो डाउन कर लोगे। अच्छा, ठीक, उसको क्रॉस नहीं करोगे जब तक वो एकदम एक्सट्रीम राइट पे नहीं चल जाता, ठीक है, फिर ऑलमोस्ट यहाँ पहुँचते हो तुमको बोल देगा टेक राइट, बिकॉज दिस इज द आइडियल रूट, चाहे कहीं से भी लाएगा यहीं, इंडिकेटर दोगे इधर देख करके, फिर तुम थोड़ा राइट में लाओगे गाड़ी। अब यहाँ है रेड लाइट, तुम पहले गाड़ी रोकोगे। अच्छा, ठीक है, फिर तुम देखोगे कि भाई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं गाड़ी सीधी सीधी थोड़ी आगे बढ़ाऊंगा पहले, फिर मैं रोकूंगा, तो मैंने देखा भैया बहुत ट्रैफिक आ रहा है ना, और तुम रुके रह सकते हो जब तक सारी लेन खाली ना हो जाए, सारी लेन, हाँ, तुम्हारी मर्जी है, जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन तुम्हारी मर्जी है। अब मैं जब मुड़ूंगा तो मैं शोल्डर भी देखूंगा, ऑपरेशन या फिर साइकिलिंग, ठीक है, फिर ये ध्यान रखना भाई, ये 40 की सड़क है, एकदम उसमें स्पीड खींचने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये देखना कि ग्रीन लाइट है या क्या है, उसके हिसाब से खींचना, फिर तुम्हें वो यहाँ पर भी चेंज लेफ्ट राइट करा सकता है, उसकी मर्जी है, नहीं तो तुम सीधा चलते रहो जब तक वो लेन चेंज करने को नहीं कहता, ठीक है। बंद करके फिर वो बोलेगा कि राइट लो, तो फिर ऑन करना, ठीक है, जब उधर वाली गाड़ियां इधर आ रही होती है ना, तो भी तुमको खड़े रहना होता है, ओके, और जैसी ग्रीन हुई ना, पहले देखना पेडेस्ट्रियन तो नहीं है, उसके बाद गाड़ी मूव करना, फिर इस लेन में लाओगे, खींचना मत गाड़ी, स्लो, हाँ, 20 पे ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुम जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक वेट करना, जैसे बोलेगा टेक राइट, राइट का इंडिकेटर दे करके ये ध्यान रखना, जब तुम इधर लाते हो गाड़ी, तुम्हारा टायर इस व्हाइट पट्टी पे नहीं चढ़ना चाहिए, इसके पॉइंट्स कटते हैं इसके, ऐसे नहीं क्रिटिकल है लेकिन पॉइंट्स कटते हैं। फिर वो तुमको बोलेगा पार्क इन एनी ऑफ दीज स्पॉट्स जिन पे एंड ऑफ ड्राइविंग लिखा है, ठीक है, तुम इधर लाओगे मजे से, तुमको जिस स्पॉट में कंफर्टेबल हो उस स्पॉट में गाड़ी पार्क कर दोगे,
और जब तक तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है गाड़ी सही से पार्क नहीं हुई है दोनों पट्टियों के बीच में, आगे पीछे एक करते लेफ्ट में एक पी लिए एक राइट में पी लिए, तब तक तुम करते रहो पार्क। ठीक है, अभी एकदम सही पार्क है, उसके बाद तुम गाड़ी डालोगे पार्किंग में, फिर वो तुम्हें तुम्हारा रिजल्ट बताएगा तुमने पास कराया कि फेल। बस